गुड इवनिंग एवरीवन। हम इधरोनिक केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण तत्वों के रसायन को पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ते हुए हमने द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण तत्वों के गुणधर्मों की बात की थी कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्रकार है, चुंबकीय गुण में कैसे होते हैं। वो एक ही द्वितीय संक्रमण श्रेणी में या तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, ये सारे गुणधर्म हमने पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे कि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है इसका प्रथम संक्रमण श्रेणी के साथ तुलना कंपैरिजन, कि उसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, उसकी बात करें। तो पहला गुणधर्म है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं पर क्या प्रभाव पड़ता है बाएं से दाएं जाने पर, वो भी हम बता चुके हैं। अब हम बताना चाहते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। तो हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन थ्योरी जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी संक्रमण श्रेणी से हम सेकंड श्रेणी में जाएंगे, प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व में जाएंगे, यानी कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी में जैसे स्कैंडियम से शुरू है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, इधर जो है एट्रियम से शुरू है जर्कोनियम नायोबियम मोलिब्डेनम, इधर जो है लैंथियम हैफनियम टेंटेनम और टंगस्टन। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जब जाते हैं तो तत्वों के आकार में या परमाणुओं के आकार में वृद्धि होती है। उसका कारण यह है कि प्रथम श्रेणी से दूसरे श्रेणी में जाने पर एक कोश बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एक कोश बढ़ जाता है, नया कोश जुड़ जाता है। यानी बाह्यतम कोश यहां पर 4 चल रहा था तो फिर यहाँ पर बाह्यतम कोष 5 आ जाता है, यानी सीधा एक कोष परिवर्तित होता है। एक कोष परिवर्तित होने के कारण, कोष जुड़ने के कारण, नया कोष जुड़ने का आकार में वृद्धि हो जाती है। जो सभी तत्वों पूरे आवर्तारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, वो सामान्य सी बात है कि नया कोष जुड़ता है तो आकार में वृद्धि होगी ही होगी। लेकिन द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में हम जाते हैं दूसरे स्थिति से, तो उनका आकार लगभग समान रहता है। यहां पर आकार क्या रहेगा, आकार रहेगा लगभग समान। उसका कारण है कोष तो यहां भी बढ़ रहा है, ये जो है 4th नंबर का कोष है, ये 5th नंबर का और ये 6th नंबर का, तो कोष तो एक यहां भी बढ़ गया लेकिन आकार लगभग समान रहा है। उसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण अर्थात यहां से यहां हम जाते हैं तो जो बीच में आने वाले 14 तत्व जो हैं वो लैंथेनाइड श्रेणी के होते हैं। वो लैंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्व अंदर के भीतरी कोशों में भरे जाते हैं या भीतरी कक्षकों में भरे जाते हैं, जिसके कारण उसके आकार में जो है लगातार कमी होती रहती है। और इसलिए ऊपर से द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर आपका कोश के यानी कोश एक बढ़ जाता है, एक कोश बढ़ने के कारण भी उसके आकार में वृद्धि नहीं होती है, लगभग समान बना रहता है, तो उसका कारण लैंथेनाइड संकुचन है। तो चलिए ये तो थी परमाणु त्रिज्या की बात। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीकरण अवस्था।
ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है ये हम पहले बात कर चुके हैं। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है ये भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी है उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट सीरीज का मतलब है प्रथम संक्रमण श्रेणी, सेकेंड एंड सेकेंड एंड थर्ड सीरीज का मतलब है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो होते धातुएं उनके प्लस टू या वैसे कह दूं यानी कि प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा स्थायी होती हैं, जबकि यहां पर जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स प्लस सेवन ऐसी या प्लस एट हायर ऑक्सीडेशन में उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्यादा स्थायी होती हैं। इसी कारण से हम बात करते हैं देखिए CrO4-2 इधर हम बात करते हैं MnO4-, ये फर्स्ट यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के दो कंपाउंड हैं और उन दोनों को दोनों ही हाई ऑक्सीजन स्टेट में है। इन्हें के इक्विवेलेंट है इनके ही नीचे आने वाले Cr के नीचे आने वाला MoO4-2 WO4-2 और इसके नीचे वाले TCO4- ReO4-, यानी पर मैग्नेट आयन पर टेक्नीशियम है तो पर टेक्नेट आयन पर रीनेट आयन, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पर मैग्नेट आयन पर टेक्नेट आयन पर रीनेट आयन क्रोमेट आयन मोलिब्डेनेट आयन और टंगस्टनेट आयन। तो ये जो है इसमें द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्लस सिक्स ऑक्सीकरण अवस्था वाले ये जो आयन है ये स्थायी होते हैं, जबकि ये अस्थायी होता है। ये इस अवस्था में ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इस अवस्था में ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं यानी तुरंत इनका आपस में अपचयन हो जाता है यानी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आने की कोशिश इनकी बनी रहती है, जबकि ये दोनों आयन भी स्थायी होते हैं। ये दोनों आयन भी क्या होते हैं स्थायी होते हैं, यानी इसका मतलब ये साफ है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये आयन यानी द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के आयन स्थायी होते हैं, जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण श्रेणी के आयन ज्यादा स्थायी होते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आप देखे FeH2O का होल सिक्स टू प्लस कंपाउंड बेलून का बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो है निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के कंपाउंड अपने को मिल जाएंगे। FeCO का होल फाइव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में प्रथम संक्रमण श्रेणी के आयन जो है वो स्थायी है उनके तत्व स्थायी है, जब द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक बनाते हैं। चलिए तीसरा संकुलन। देखिए संकुलन क्या होता है, संकुलन बनाने की प्रवृत्ति संकुलन कहलाती है। तो हम पहले भी संकुलन की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में क्या समानता है संकुलन के रेस्पेक्ट में। अब हम एक बात कर चुके थे पहले उपसंयोजन श्रेणी, उपसंयोजन
संयोजन संख्या की हम बात कर चुके थे, हमने बताया था कि किसी भी उपसहन संयोजन यौगिक में धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बने हुए उपसहन संयोजन बंधों की संख्या को उपसहन संयोजन संख्या कहते हैं। तो देखिए उपसहन संयोजन संख्या छह वाले जो उपसहन संयोजन संख्या वाले यौगिक है वो अष्टफल के होते हैं। तो उपसहन संयोजन संख्या छह वाले छह उपसहन संयोजन संख्या के संकुल सभी संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि उपसहन संयोजन संख्या छह के संकुल समस्त यानी प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तीनों ही संक्रमण श्रेणी के धातुओं द्वारा आसानी से बनाए जाते हैं और स्थायी होते हैं। अब हम बात करते हैं उपसहन संयोजन संख्या 7.8। उपसहन संयोजन संख्या 7 और 8 के संकुल केवल द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण धातुओं के प्रारंभिक तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि उपसहन संयोजन संख्या 6 के संकुल समस्त संक्रमण धातुएं यानी प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि उपसहन संयोजन संख्या 7 और 8 के यौगिक केवल और केवल द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के कुछ प्रारंभिक तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर 7 और 8 के संकुल, तो एग्जांपल की बात करते हैं। पहला एग्जांपल Na3ZrFe, ये एक संकुल है Na3ZrFe। इसमें अगर सोडियम के चार्ज को हटा दिया जाए तो Zr पर जो आएगा चार्ज वो आएगा Zr Fe7-3। Zr Fe7-3 यानी Zr पर +4 चार्ज है, यानी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये जो है संकुल बना है। चलिए ये जो संकुल होता है इसमें 7 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये 7 लिगेंड मोनोडेंटिक है यानी एक दंतुर है, यानी कि एक एक प्रत्येक लिगेंड जो है वो एक बंध बनाता है। तो 7 लिगेंड 7 बंध बनाएंगे, इसका मतलब इसकी उपसहन संयोजन संख्या क्या होगी, 7 होगी। तो ये 7 का यौगिक है। इसकी जो ज्यामिति जो होती है वो होती है पंचकोणीय द्विपरिमित। पंचकोणीय द्विपरिमिति का मतलब ये हुआ कि उसकी मैं एक बार से बना के बता देता हूं आपको, सुनने से ना, पंचकोणीय द्विपरिमिति का क्या मतलब हुआ, यहां पर होगा सेंटर में जेड और ये एफ जुड़े हुए होंगे, यानी पांच कोण 1, 2, 3, 4, 5 पंचकोणीय द्विपरिमिति, एक ऊपर ग्रामीण एक नीचे ग्रामीण, यानी कि इन सबको अगर मैं इस तरह से जोड़ूंगा तो ये पिरामिड जैसी संरचना बन जाएगी, और नीचे भी इसको जोड़ूंगा तो ये नीचे भी एक पिरामिड जैसी संरचना बने, एक पिरामिड ऊपर बनाओ एक पिरामिड नीचे बनाओ, तो जो बीच में रिंग है वो पांच कोणों की होगी, पंचकोणीय होगी। तो पंचकोणीय द्विपरिमिति ये संरचना इसकी होती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहन संयोजन संख्या यहाँ पर इसमें कितनी है, 7 है, क्योंकि 7 लिगेंड जुड़े हुए हैं जो केवल एक लिगेंड एक ही बंध बनाता है। हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। Cu2ZrFe, इसमें ZrFe8 जो होता है उसमें Zr पर +4 चार्ज और 8 माइनस जुड़े हुए हैं, तो पूरे संकुल पर -4 आवेश आ रहा है। अब देखिए इसमें इसमें 8 लिगेंड जुड़े हुए हैं, फ्लोराइड लिगेंड एक लिगेंड एक बंध बनाता है, तो कुल मिला के Zr और फ्लोराइड के बीच में 8 बंध बने हुए हैं, अर्थात इसकी उपसहन संयोजन संख्या अंग्रेजी में बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहन संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर वो हो गई 8।
आठ उप संयोजन संख्या में जरकोनिया भी यह संतुल बनाता है और इसकी ज्यामिति जो होती है या आकृति जो होती है वो होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्म, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। स्क्वायर एंटी प्रिज्म का मतलब वर्ग प्रति प्रिज्म, वर्ग प्रति प्रिज्म का मतलब हुआ दो प्रिज्म जो है वो एक दूसरे के एंटी जो है रहेंगे, दो प्रिज्म एक दूसरे के क्या रहेंगे एंटी रहेंगे और उसके बीच में जो है वो सेंटर एटम रहेगा यानी जर्कोनिया रहेगा। उस आकृति को यहां बनाना आसान या संभव नहीं, इसलिए इसकी आकृति आप याद रखें कि स्क्वायर एंटी प्रिज्म होती है। चलिए नेक्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय गुण जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण होता है। किसी परमाणु में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा होता है। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए बिल्कुल सत्य है, लेकिन द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी में किसी भी तत्व या परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुण केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करता है। मैं रिपीट करता हूं बात को कि किसी भी यौगिक का चुंबकीय गुण उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा होगा या उसके चुंबकीय गुण उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए सत्य है, लेकिन द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के लिए ऐसा नहीं है। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी में किसी भी परमाणु या तत्व के चुंबकीय गुण है केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करते बल्कि उसके कक्षक चक्रीय आघूर्ण पर भी निर्भर करते हैं। देखिए हमने पहले दिन पढ़ा था कि दो जो है दो प्रकार चुंबकीय गुण दो प्रकार गतियों पर निर्भर करते हैं, कक्षक गति और इलेक्ट्रॉन की गति। तो कक्षक की गति के कारण भी इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान जो है वो परिवर्तित होते हैं, यानी इनके चुंबकीय आघूर्ण में इलेक्ट्रॉन का स्पिन और कक्षक का स्पिन दोनों ही इंक्लूड होते हैं, दोनों शामिल होते हैं और दोनों की वजह से इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान निकल के आते हैं। जैसा कि हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए म्यूज कर लो एन इंटू एन प्लस टू ये फॉर्मूला दिया था कि सब इस फॉर्मूले में एन का मान जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान रखिए और उससे आप क्या निकाल लो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल लो। लेकिन इन दोनों श्रेणियों के लिए आप इस फॉर्मूले से चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि इससे केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण ही निकल पाएगा। कक्षीय गति कक्षीय चक्रण के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है वो इस फॉर्मूले में शामिल नहीं है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के लिए कक्षीय चक्रण जो है उसके कारण भी चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो उसके लिए एक बड़ा फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, वो आप लोगों को उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल यह याद रखें कि द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के चुंबकीय गुण उनके केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करते बल्कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण यानी कक्षीय चक्रण पर भी निर्भर करते हैं, जबकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के चुंबकीय गुण केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण या उनके चक्रण पर निर्भर करते हैं। थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।